सभी नमस्कार, और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग हिंदी देख रहे थे, और हिंदी में हम लोगों ने तत्सम, तद्भव, विलोम, विशेषण, विशेष्य आदि सभी चीज़ों को देख लिया है, और प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि आपके 2010 से 2021 तक जितने भी विलोम शब्द, जितने भी विशेषण और जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द इत्यादि, यानी कि आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि यूपी आरओ में पर्यायवाची शब्द 2010 का देखा जाएगा कि किस प्रकार के पर्यायवाची पूछे गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती, पद्मा। तो पहले का हो जाएगा सी, पद्मा। ठीक है, पद्मा जो है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, पद्मा लक्ष्मी का पर्याय है। ठीक है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है पद्मा। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द अन्य पर्यायवाची शब्द हम लोग देखते हैं, वागीश, वागदेवी, वागीश्वरी, गिरा, भाषा, ब्राह्मणी, महाश्वेता, निधात्री, शारदा इत्यादि। ठीक है, सरस्वती की ये सब पर्यायवाची हैं, वागीश, वागदेवी, वागीश्वरी, गिरा, भाषा, ब्राह्मणी, महाश्वेता, निधात्री, शारदा। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, प्रभाकर, विभाकर, दिनेश, दिनकर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। डी हो जाएगा, मयंक। चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक नहीं है, मयंक जो है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो चांदनी के अन्य पर्यायवाची जो है चंद्रिका, ज्योत्सना। तो चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरिया, चंद्रमरीच, अमृत तरंगिणी, चंद्रकला इत्यादि। ठीक है, चंद्रमा का ये जो है पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द है ये बताना है आपको। तो देखिए, शिव का जो है पर्यायवाची शब्द शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्र। शिव का पर्यायवाची रुद्र है। शिव के अन्य पर्यायवाची चंद्रचूड़, हर, चंद्रमौली, देवाधिदेव इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। और हरि, हरि जो है कि विष्णु, कृष्ण और राम तीनों का पर्यायवाची होगा हरि। पावनाश और सिंधूर, तो आंसर हो जाएगा डी, सिंधूर। सिंधूर जो है कि अही का पर्यायवाची नहीं है, सिंधूर अही का। अही का अर्थ जो है कि सांप होता है। ठीक है, और सांप के जो पर्यायवाची होंगे वो उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, भुजंग, बयाल, नाग, पंग, विषधर इत्यादि। ठीक है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक का सकृत्य, प्राकृतिक, चमत्कृत, अचतुर्दिक। तो सी हो जाएगा, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक। कैसे? तो देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द प्राकृतिक है। नैसर्गिक के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर आप देखेंगे तो प्रकृत, वास्तविक, असली, मूल, यथार्थ, अविकृत, ये सारे जो है कि प्राकृतिक के, नैसर्गिक के जो है कि पर्यायवाची होंगे। जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम,
कृष्ण विष्णु ब्रह्मा, तो जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची है, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी, हस्त, पाड़ी, कर, आठ का ए हो जाएगा कटी, ठीक है। तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कटी। बाकी सारे कि हस्त, कर, पाणी, ये जो है कि हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं, देखिए कटी का अन्य पर्यायवाची होता है कमर, श्रोणी। कर शब्द के निम्नलिखित जो है कि अर्थ माने जाते हैं, जैसे हाथ, हाथी का सूंड, सूर्य या चंद्रमा की किरण, आकाश से गिरने वाला पत्थर, ओला, ठीक है। तो कर शब्द के निम्न अर्थ हैं, ये चारों अर्थ कर शब्द के होते हैं। कर एक प्रत्यय भी है जिसका अर्थ करने, देने या प्राप्त करने वाला होता है, जैसे दिनकर, सुखकर इत्यादि। और पाणी का अर्थ हाथ होता है तथा पाणी का तद्भव पानी होता है, ठीक है। पाणी का जो है अर्थ जो होगा वो हाथ होगा और पाणी का तद्भव जो होगा वो पानी होता है। देखिए जीव का पर्याय यानी कि जीव का पर्यायवाची वचन, रसना, ध्वनि, जीव, तो नौ का बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जीव का पर्याय रसना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। पियोधि, जलद, जलधि, वारीधि, पियोधि, जलद, जलधि, वारीधि, ठीक है। तो ये बताना है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पियोधि, जलद, जलधि, वारीधि, तो आंसर जाएगा बी, जलद, ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं है, और जलद का पर्यायवाची जो होता है वो बादल होता है, ठीक है। जलद का पर्यायवाची जो होगा वो बादल होगा, और समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं उदधि, उदधि, पियोधि, परावार, जलधाम, नदीश इत्यादि, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आर ओ स्पेशल प्री एग्ज़ाम 2010 का। मार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जादू का, स्वर्ण, अधम, अनंग। मार का अनंग हो जाएगा, ठीक है। मार का पर्यायवाची अनंग, मार शब्द का पर्यायवाची अनंग है। अनंग से आशय कामदेव है, कामदेव बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में आपके, कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है। आगे चलते हैं, विडोजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र, पत्थर। सी का हो जाएगा इंद्र, तो विडोजा का पर्यायवाची शब्द है इंद्र का, ठीक है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची आइए जरा देख लेते हैं, माधव, माधवा, अमरीश, सुरेश, शूरपति, साचीपति, पुरंदर, विबुधेश, निर्जरपति, ठीक है, शक्र, सहस्त्राणी, वासव, कौशिक, पाकशान, पाकशासन, ठीक है। ये सारे आपके इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। और सतमन्यु, सतमन्यु, फिर दिवस्पति, सतमन्यु, दिवस्पति, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। केसरी हो जाएगा मृगेंद्र का केसरी, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी है, और मृगेंद्र के अन्य जो है कि पर्यायवाची शब्द आइए देखते हैं, शार्दुल, व्याघ्र,
पंचमुख, मृगराज, केशरी, केहरी, केसी इत्यादि। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाची, दुकूल, तरंग, हिलोर भी हो जाएगा दुकूल। लहर का पर्यायवाची दुकूल नहीं है। ठीक है, लहर के अन्य पर्यायवाची ये देखते हैं। तो लहर के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके, लहर के अन्य पर्यायवाची शब्द तरंग, हिलोर, लहरी, वीची, उर्मी। दुकूल का अर्थ होता है कि वस्त्र, कपड़ा, स्त्री के पहनने की साड़ी। ठीक है, दुकूल का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा और स्त्री के पहनने की साड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से एक शब्द जो है देवता का पर्याय है। अलकेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष, ज्योतिष्क। ठीक है, उत्तर बी हो जाएगा विबुध। देवता का पर्याय विबुध है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाला, कल्पशाल। सी हो जाएगा आराम। ठीक है, बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम, ऑप्शन सी। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है। अब बगीचा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज, कुंज। ठीक है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची होगा वाजी, अम्बुधर, विजन, किंकर। तो सेवन का ए हो जाएगा वाजी। तुरंग का पर्यायवाची है वाजी। ठीक है, तुरंग शब्द का पर्याय है वाजी। तुरंग के अन्य पर्यायवाची अश्व, हय, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरंग। रसा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, रसा, रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिषन्ना। ठीक है, तमिषन्ना एट कड्डी हो जाएगा। तो रसा का पर्यायवाची नहीं है यह। आगे चलते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका ख़त्म होता है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।